नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आपको एनालॉग इनपुट के बारे में बताएंगे, जो कि एनालॉग रीड मेथड के थ्रू परफॉर्म होता है। दो कंट्रोलर्स के बीच में या हमारा आर्डुइनो यूनो और पीसी के बीच में कैसे कम्युनिकेशन पॉसिबल है, उसे हम सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, कि जब हम लोग इस एलडीआर को किसी अपने पेन के ढक्कन से ढक रहे हैं, मीन्स इसके ऊपर अंधेरा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली 13 नंबर पे जो एलईडी है वो ऑन हो जाती है। और जब ये हमारे पास रोशनी में आता है एलडीआर, मीन्स इसके ऊपर से ढक्कन हटा लिया जाता है, तो हमारे पास ये एलईडी ऑफ हो जाती है। तो इस एलईडी के ऊपर हम लोग कोई भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं जो रात को ऑन हो जाएगा और सुबह अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में ये प्रोजेक्ट कितना आसान है और इसे कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने आर्डुइनो यूनो को देखा, इसके अंदर हमारे पास एनालॉग इनपुट पिंस हैं जो A0 से A6 हैं, बाईं तरफ दिख रही हैं। और हमारे पास एनालॉग राइट के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में PWM पिंस को देखा, जो कि 3, 5, 6, 9, 10, 11 पे हैं। तो हम लोग अब इस वीडियो में A0 से A5 को यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग इन पिंस को हम यूज़ करते हैं एनालॉग रीड मेथड के थ्रू, जिसके अंदर जो कि हमें रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू एनालॉग रीड मेथड 0 से 123 के बीच में। तो जो भी लोड हमारे पास एनालॉग पिंस पे कनेक्टेड होगा, वो हमारे पास 0 से 123 के बीच में एक वैल्यू के रूप में हमें रिटर्न किया जाएगा, जो नीचे दी हुई स्टेटमेंट में एक सेंसर वैल्यू नाम के इंटीजर में सेव हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम एग्जाम्पल में एनालॉग इनपुट में से ले लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने A0 पिन एनालॉग 0 को एक सेंसर पिन वेरिएबल में सेव कर लिया और 13 नंबर को एलईडी पिन में रेफर कर लिया। एक लोकल वेरिएबल बना लिया सेंसर वैल्यू, जिसमें इनिशियल वैल्यू 0 है। सेटअप में हम लोगों ने एलईडी पिन का आउटपुट बना दिया। अब हम लोग सिर्फ एनालॉग रीड मेथड यूज करके सेंसर पिन से वैल्यू पढ़ रहे हैं और सेंसर वैल्यू नाम के वेरिएबल में रख रहे हैं। तो जितनी भी वैल्यू ये आएगी, जो कि 0 से लेके 1023 के बीच में होगी, उतना डिले हम एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए दे रहे हैं। तो अगर हम लोग अपने इस A0 पे जो भी हम लोगों ने लोड कनेक्टेड है, वो अगर एक वेरिएबल वैल्यू हमें देगा, तो उस वेरिएबल वैल्यू के रूप में वो वैल्यू हमारे पास डिले एलईडी के ऑन ऑफ के बीच में जो डिले है, उस वो कम ज़्यादा हमें होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे कनेक्ट किया किया जाए, तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है ये देखते हैं। पोटेंशियोमीटर हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर है, जिसमें थ्री लेग्स, हमारे तीन टांगे नजर आ रही हैं, थ्री पिन्स आर देयर। तो जो दो पिन्स हैं वो एक तरफ हैं, जो कि इनपुट पिन्स हैं, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग कनेक्ट कर देंगे सप्लाई, और जो आउटपुट है हमारे पास वो एक अलग से तीसरी पिन जो साइड में ऊपर की तरफ नजर आ रही वो है। तो इस आउटपुट पिन से हम लोग आउटपुट लेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। हम लोगों ने देखा कि एलईडी जब भी हम कनेक्ट कर रहे थे, तो वहां पे करंट लिमिटिंग रेजिस्टर हम लोग एक 330 ओम का कनेक्ट करते थे, तो एलईडी वो ऑन ब्लिंक हमारे पास ऑन हो जाती थी। अब हमने उस 330 ओम की जगह हम लोगों ने एक वेरिएबल रेजिस्टर 5K का लगा दिया, जो नीचे दिए गए सर्किट के हिसाब से है। अब अगर इस वीडियो को हम देखें, तो इस वीडियो में हम लोग इनिशियली देख रहे हैं कि एलईडी अभी ऑफ है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 5K बहुत ज़्यादा होता है, एलईडी को ग्लो नहीं करने देगा। जैसे जैसे हम एलईडी का ये रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, तो एलईडी का ग्लो बढ़ रहा है, और ज़्यादा कर रहे हैं तो एलईडी का ग्लो कम हो रहा है। तो ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, जो कि 0 से 5 के बीच में हमारे रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर रहा है जब हम इसको रोटेट करते हैं। तो यही हम लोग एनालॉग इनपुट पे A0 पे कनेक्ट कर देंगे और अपना आउटपुट देख सकते हैं, जो हम लोग पहले कोड देखा। अब ये सीरियल कम्युनिकेशन क्या है? सीरियल कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसफर करने की एक विधि है, जिसमें डेटा बिट एक एक करके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाती है। जैसे कि हमारे एग्जांपल में एक पीसी है, लैपटॉप है, या एक आर्डुइनो यूनो, एक माइक्रो कंट्रोलर है। तो पीसी, लैपटॉप या कंट्रोलर के बीच में जो डेटा जाएगा, उसे हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन थ्रू पॉसिबल करते हैं। हमारे पास दोनों डिवाइसेस का, जो पीसी है और उनो है, उनका बॉड रेट सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये हमारा एक प्रोटोकॉल है। आर्डुइनो आईडीई हमारे पास जब प्रोग्राम अपलोड करता है हमारे कंट्रोलर के अंदर, वो एक कॉम पोर्ट यूज करता है। तो वो कॉम पोर्ट एक सीरियल कम्युनिकेशन ही है, सीरियल कम्युनिकेशन इस कॉम पोर्ट पे हो रहा है। तो देखिए, हमारे आईडीई के अंदर टॉप कॉर्नर पे हमारे पास एक सीरियल मॉनिटर है। इसे क्लिक करने से हमारे पास एक सीरियल मॉनिटर ओपन हो जाता है। इस मॉनिटर के माध्यम से हम लोग अपने कंट्रोलर को कोई वैल्यू अपने पीसी से भेज सकते हैं या ले सकते हैं। तो इसके नीचे का बॉड रेट आपको नजर आ रहा है, तो बॉड रेट 9600, 4800 से कम भी हो सकता है, या हमारे पास इससे ज़्यादा 19,200, 1,15,200 और ज़्यादा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे कंट्रोलर पे और हमारे आईडी पे, मीन्स हमारे दोनों डिवाइसेस पे, कि कितना बॉड रेट हमें रखना है और किस बॉड रेट पे कम्युनिकेशन होगा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा कोड हमारे पास।
हम लोगों ने सीरियल डॉट बिगिन एक कमांड लिखी हुई है। अब इसमें सीरियल एक हमारे पास ऑब्जेक्ट एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनाया गया। हमारे पास ये आर्डुइनो यूनो है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रारूप में काम करता है। तो सीरियल ऑब्जेक्ट का सीरियल क्लास का हम लोगों ने एक मेथड फायर किया इस ऑब्जेक्ट में जो बिगिन है, उसको हमने 9600 बॉड रेट दिया। ये बॉड रेट हमारे पास ये प्रोग्राम में लिखा जा रहा है, मीन्स कंट्रोलर में है। तो जब हम अपना सीरियल मॉनिटर खोलेंगे तो वहाँ भी हमें 9600 ही लिखना पड़ेगा ताकि ये दोनों आपस में बराबर रहें। हमने लूप मेथड के अंदर आके सीरियल डॉट अवेलेबल मेथड चेक किया, कॉल किया, मीन्स क्या हमारे पास सीरियल पे कुछ डेटा आ रहा है। अगर आ रहा है तो अवेलेबल हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू है तो हम लोगों ने उस सीरियल डॉट रीड करके डेटा को रीड करके एक वेरिएबल में डाला जो कि एक बाइट टाइप का है। बाइट रीड एक वेरिएबल, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है बट इसका टाइप बाइट होना चाहिए। जो भी डेटा हमारे पास आया हमने उसको रिटर्न करके दोबारा से सीरियल मॉनिटर सीरियल पे ही राइट कर दिया, सीरियल डॉट राइट मेथड यूज करके। दैट मीन्स हम लोग अपने सीरियल मॉनिटर से एक डेटा भेजेंगे और वही डेटा दोबारा वापस हमारे पास सीरियल मॉनिटर में नजर आएगा। हमारा कंट्रोलर उसे वही चीज दोबारा से वापस लिख देगा। तो इसको देखने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। ये प्रोग्राम हमारे गिटहब लिंक पे अवेलेबल है, नीचे दिए हुए लिंक से आप देख इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग सीरियल डॉट अवेलेबल चेक करने के बाद वो वेरिएबल की वैल्यू रीड करते हैं, सीरियल डॉट रीड को रीड करके वेरिएबल में डालते हैं। अब अगर ये वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो हमारी ये LED ऑन हो जाएगी, डिजिटल राइट करेंगे। अब ये डिजिटल राइट में जो LED बिल्ट इन है ये क्या है, ये एक डिफॉल्ट हमारे पास कीवर्ड असाइन यूज किया गया है जो आर्डुइनो IDE में दिया जाता है। मीन्स अगर ये आर्डुइनो यूनो की जगह किसी और आर्डुइनो बोर्ड पे भी लोड किया जाए तो वहाँ पे जो भी डिफॉल्ट LED होगी जो कि हमारी यहाँ पे आर्डुइनो यूनो में 13 नंबर पे है, वहाँ पे कोई भी और LED वहाँ पे कनेक्टेड होगी तो वो भी इसके साथ काम करने लग जाएगा। तो हमने देखा कि जब वहाँ 1 लिखा तो LED ऑन हो गई, जब 2 लिखा तो LED ऑफ हो गई। इसके अलावा कोई भी अगर दूसरा हम वेरिएबल लिखते हैं, वैल्यू डालते हैं, तो हमारे पास नजर नहीं आएगा। तो जो भी वैल्यू हम वहाँ से डाल रहे हैं वो दोबारा वापस भी जा रही है क्योंकि हम उसको सीरियल राइट भी कर रहे हैं। तो ये कोड से हम ये समझ पाए कि सीरियल कैसे कम्युनिकेशन, डेटा आना जाना कैसे पॉसिबल होता है। तो आइए एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना के देखते हैं जिसमें हम LDR को कनेक्ट कर रहे हैं और एक नाइट लैम्प की भांति हम LED जो हमारी डिफॉल्ट LED है उसको यूज करेंगे। तो LDR क्या है? LDR एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है या फोटो रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस लाइट के साथ चेंज होता रहता है। जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा और जितनी कम लाइट होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हम लोगों ने इस LDR को अपने एनालॉग पिन पे कनेक्ट कर दिया, A0 पिन पे, और इस एनालॉग रीड मेथड के थ्रू हम उसकी वैल्यू रीड करते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सर्किट आपके सामने दिया गया है जिसमें हम लोगों ने अपने LDR की जो दो टांगे हैं, दो पिन्स हैं, दो लेग्स हैं, वो दोनों सेम हैं, जिसको मर्जी जिधर मर्जी यूज़ कीजिए। एक को हमने 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया, दूसरी को हमने A0 पे कनेक्ट किया हुआ है और A0 के थ्रू ही हम लोगों ने 100 किलो ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू से ग्राउंड किया है ताकि ज़्यादा करंट आने से ज़्यादा वोल्टेज 5 वोल्ट हमारे पिन को ख़राब ना कर दे, तो उसे ग्राउंड कर दिया गया वहाँ पे। तो ये हमारे पास सर्किट आप देखिए LDR इंटरफेसिंग का, जिसके अंदर हम लोगों ने कोई भी अभी ब्रेडबोर्ड भी नहीं यूज़ किया, कोई सोल्डरिंग नहीं है, सिंपल 100 किलो ओम के रजिस्टर को हमने एक टाग के साथ वाइंड करके लपेट के उसको ग्राउंड में लगा दिया। एक लेग हमारे पास जो है LDR की 5 वोल्ट पे है, दूसरी हमारे पास A0 पे है। सर्किट आपके सामने है और फिजिकली कैसे कनेक्ट किया है वो भी आपके सामने है। हम लोगों ने एक डिफॉल्ट प्रोग्राम उठाया अपनी तरफ से, भी कोई प्रोग्राम ही लिख रहे एग्जाम्पल्स में कंट्रोल में एक इफ स्टेटमेंट कंडीशनल क्या हमारे पास एक प्रोग्राम बना हुआ है। इस प्रोग्राम को हमने लिया, A0 पिन को एनालॉग पिन बना दिया, 13 LED और एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रख ली कोई एक वेरिएबल में, थ्रेशोल्ड नाम के वेरिएबल 400 वैल्यू। हम लोगों ने सीरियल डॉट बिगिन कर दिया सेटअप में और पिन मोड को आउटपुट सेट कर दिया 13 नंबर को। अब हम लोग एनालॉग रीड मेथड के थ्रू उस A0 पिन को रीड कर रहे हैं और एनालॉग वैल्यू में रख रहे हैं। अगर वो वैल्यू रीड की गई वैल्यू जो कि 0 से 1023 के बीच में होगी, अगर उसकी वैल्यू 400 से ज़्यादा है तो LED हाई हो जाएगी और अगर 400 से कम है तो LED हमारे पास लो हो जाएगी। और साथ का साथ इस वैल्यू को हम एनालॉग वैल्यू को जो भी हमारे पास आई उसको प्रिंट भी कर देंगे सीरियल पे और 1 मिलीसेकंड का डिले डालेंगे। ये हमारा डिफॉल्ट कोड था। कुछ चेंजेस हमने इसमें किए। सबसे पहले तो जब हम चाहते हैं कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो हमारा एनालॉग वैल्यू तो हमारी LED ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं जब अंधेरा हो हमारे पास, जब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा हमारे पास तो वो हमारे पास लाइट ऑन होनी चाहिए। तो हमने इस ग्रेटर देन को लेस देन में कन्वर्ट कर दिया
राइट। और नीचे ये बार बार डिले मेथड 1 मिलीसेकंड के बाद हमारा आउटपुट नजर आएगा हमें सीरियल मॉनिटर पे, जो कि बहुत फास्ट होगा, तो हमने इसे 500 कर दिया। ये आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम लोग अब ये इनपुट करके देखते हैं इसके अंदर। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम जब इसके अंदर डाला तो हमारे पास ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से आपके सामने चल रहा है। हम लोगों ने इस प्रोग्राम को अपलोड किया, अपलोड करते हमारे पास ये सीरियल मॉनिटर हम ओपन कर लेते हैं। और सीरियल मॉनिटर में हम लोगों ने देखा ये वैल्यू 900 से 800 के आसपास आ रही है। जब हमने इसको अपने एक पेन के ढक्कन से या इसको ढक दिया, मीन्स इसके ऊपर अंधेरा कर दिया डीआर के ऊपर, तो ये वैल्यू फटाक से हमारे पास 100 और 200 के बीच में आ गई और भी कम हो रही धीरे धीरे, जैसे वो रजिस्टर हमारा अंधेरा होता जाएगा और हमारी वो LED ऑन हो गई थी। अब जैसे ही हमने वो ढक्कन को उठाया वहाँ से, तो वो फिर से हमारे पास LED ऑफ होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास ये जो नाइट लैम्प का जो लॉजिक हमने LDR को यूज़ करके बनाया, कितना परफेक्टली चल रहा है। हम इस LED के ऊपर, हाँ LED जिस पिन पे कनेक्टेड है 13 नंबर पे, यहाँ पे एक लोड कनेक्ट करेंगे, अगले कुछ वीडियोस में रिले कनेक्ट करेंगे और एक एक्चुअल प्रोडक्ट बनाएंगे जो हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, कि जो सुबह अपने आप लाइट बंद हो जाए। जैसे स्ट्रीट लाइट है हमारी सारा दिन चलती रहती है, नहीं तो हमें मैनुअली ऑन ऑफ करना पड़ता है, हम उसको ऑफ कर देंगे और जब वो रात होगी तो अपने आप अंधेरा होते ही वो लाइट हमारे पास ऑन हो जाएगी, वो जो लोड हमारे पास ऑन हो जाएगा। तो कितना आसान है देखिए ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आर्डुइनो को यूज़ करके कोई प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए नीचे दिए गए लिंक्स को यूज़ कीजिए हमारे पास। अगले आने वाले वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो के लिए शुक्रिया।